ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में पलीटू के अंदर मैंने एक हैकर को पकड़ा था, जो कि हमारे मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करके मिलिट्री वालों को दे रहा था। अब यार देखो, उस हैकर को ना कूड़े के ट्रक के अंदर छुपा कर हम लोग लॉस सैंटोस वापस तो ले आए थे, क्योंकि यहाँ पर लेस्टर ने उसे बुलाया था। अब यार देखो, उसे टॉर्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसके थ्रू ही हम लोग मिलिट्री कर्नल तक पहुंच सकते थे। लेकिन उसने बताया कि वो लोकेशन मिलिट्री कर्नल को नहीं, उल्टा एक और हैकर को दे रहा था, जो कि उससे भी बड़ा हैकर है। अब यार देखो, वो जो बड़ा वाला हैकर है, अभी फिलहाल हम लोग जैसे तैसे उसका भी नंबर ट्रेस कर यहां तक तो पहुंच गए थे। अब यार यहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी कि मैंने सबको मारा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा बड़ी गड़बड़ ये हो गई है कि इस हैकर ने ट्रेवर को अरेस्ट कर लिया है, मतलब कि एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया है जिस पिंजरे के अंदर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर अभी भी एक बंदा खड़ा हुआ। तू किस लिए खड़ा है, निकल यहां से। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेवर की जान बचाना। मुझे मालूम है कि जब तक मिलिट्री कर्नल जिंदा है ना, तब तक हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पर यार अभी अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेवर। और ये जो बड़ा वाला हैकर है ना, इसने हमें बोला था कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो वो एक सेकंड के अंदर ट्रेवर को मार सकता है। और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो करंट कितने ज्यादा पास है ट्रेवर के, यहां पर शॉर्ट सर्किट हो रखा है। अगर उसने इसकी रेंज या जो भी कुछ वो करेगा, वो ट्रेवर उसमें कभी भी मर सकता है। तो अभी मैं काफी देर से गेट खड़का रहा हूं, पूरा का पूरा ना एक दिन बीत चुका है, लेकिन ये गेट नहीं खुल रहा। यार मैंने अपने वेपन्स ना सारे वापस उठा लिए थे, मेरे को वेपन्स दोबारा रखने चाहिए, फिर इससे मैं बात करता हूं, क्या पता गेट खोल दे। तो ओके गाइस, यार अभी ना फिलहाल यहां पर मुझे लेस्टर को लाया था, और लेस्टर कह रहा है कि अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसने सारी की सारी बात लेस्टर को कॉल करके बता दी है। और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि ना अगर हम लोग इसका काम नहीं करते तो ये 2 सेकंड के अंदर ट्रेवर को मार देगा। और गाइस यार यहां पर आप लोग देख ही पा रहे हो, उसने ना किस तरीके से यहां पर वायर का सेटअप करा है। भाई जितनी भी वायर्स है सारी की सारी इस टाइम इसने शायद से ट्रेवर की बॉडी से अटैच कर दिया है, और वो कभी भी उसको करंट लगा के मार सकता है। अब यार देखो, अभी तक जितने भी मतलब गुंडे मिले हैं, जितने भी टेररिस्ट मिले हैं, अभी तक तो हम सबसे बच गए। लेकिन यार ये जो हैकर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ही दिमाग है। मेरे को तो लग रहा है इसके अंदर लेस्टर से भी ज्यादा दिमाग है। बाकी यार अभी ना जल्दी हम लोग यहाँ पर सबमरीन से बाहर निकलते हैं, और अभी लेस्टर कह रहा है कि मेरे पास आओ, फिर वो पूरा का पूरा प्लान बताने वाला है कि आखिरकार हमें इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, और अभी क्या आगे होने वाला है। भाई कुछ भी नहीं मालूम, बट इतना पता है कि अगर हमने उसका काम नहीं करा तो वो अभी ट्रेवर को मार देगा, जो कि यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई ट्रेवर ने हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं, जो कि हम लोग भाई उसका पूरा कभी नहीं कर सकते। तो अभी इसलिए हमें कुछ भी करके ट्रेवर को यहाँ पर बचाना पड़ेगा। और बाकी यार यहाँ पर मैंने कितनी लाशें बिछा दी है इन सब लोग की, भाई बहुत ही बुरी तरह मैंने मारा था यहाँ की सिक्योरिटी का, और साथ में ट्रेवर ने भी मारने की कोशिश करी थी, बट गड़बड़ हो गई थी। अभी ना गाइस जल्दी से मैं स्कूबा डाइविंग सूट पहनता हूँ, क्योंकि जो अपनी कार है ना, अभी मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पर चली गई होगी। शायद से हम लोग पानी में निकल के हमें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यार इधर उधर डूब गई होगी वो। तो अभी जल्दी से मैं सबसे पहले स्कूबा डाइविंग सूट पहनता हूँ। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैंने स्कूबा डाइविंग सूट पहन लिया है, और उसके साथ जितनी एक्सेसरीज थी वो भी मैंने लगा लिया है। तो अभी बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं अपनी सबमरीन से बाहर निकलता हूँ, और अभी मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पर मैं सबमरीन से बाहर आ चुका हूँ, और लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो काफी ज्यादा अंधेरा था रात होने की वजह से, तो मैं ढंग से सबमरीन को देख नहीं पाया था। बाकी यार अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो सबमरीन है कितनी ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर काफी सारे कैबिन्स बने हुए हैं। भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी ज्यादा बड़ी होगी। अब बाकी यार देखो, सबसे पहले मुझे अपनी कार ढूंढनी है, क्योंकि मुझे वापस आइलैंड पे जाना है। और यार देखो, अगर मैं स्विम करता हुआ जाऊंगा तो हो सकता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये खत्म हो जाए, और उसके बाद मैं सांस ना ले पाऊं। और बाकी यार थोड़ा स्टैमिना भी चाहिए होता है इतना ज्यादा स्विम करने के लिए, और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, इसलिए मुझे अपनी कार को सबसे पहले ढूंढना है। बाकी यार देखो, जो मेरी कार है ना, ओके तो गाइस वो देखो, यहां पर मेरी कार नीचे डूबी हुई है। अब जब हम कार से उतरते हैं ना, तो उसके विंग्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, जिस वजह से डूब जाती है। अगर विंग्स इसके खुले रहेंगे तो ये तैर के ऊपर चले जाती। बाकी हम लोग जल्दी से भी पानी के अंदर चलते हैं। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अंडर वाटर स्विम करता करता काफी ज्यादा डीप आ चुका हूं, और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कितना ज्यादा बड़ा यहां पर सी मॉन्स्टर का स्केलेटन है। बाकी यार ये कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा है, और सामने की तरफ में वो रही मेरी गाड़ी, इसके हेडलाइट्स अभी भी चालू हो रखी है। और गाइस ये क्या चीज है, एक सेकंड, यहां पर ये मेरे को कोई ना कोई सीक्रेट बेस की एंट्रेंस लग रही है, बट ये खुलती कैसे होगी। ओ भाई ये ऐसा भी कुछ होगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, और मैं 100% श्योर हूँ ये किसी ह्यूमन का ही काम है। बाकी यार ये तो देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 LED lights भी लगा रखी हैं, तो ये कोई मतलब और कोई जानवर या एलियंस वगैरह तो नहीं कर सकते, ये किसी ने किसी ह्यूमन ने ही करा है। भाई ये क्या चल रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, ये मिलिट्री ये हैकर, भाई मेरे को यहाँ से निकलना होगा अभी। गाइस मेरे को इस जगह पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सीक्रेट सोल्जर्स आए और मेरे को मार जाए पानी के अंदर। इधर तो मेरे को कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, और शार्क वगैरह ना आ जाए
हैं उनसे भी काफी खतरा है। यहाँ पर आप लोग गाइस देख पा रहे हो पता नहीं क्या क्या चीजें इधर आके डूब रखी हैं। मेरे को लग रहा है काफी टाइम पहले ना इधर कोई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट या फिर कोई बहुत तगड़ी फाइट हुई है। अभी गाइस मेरे को इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं लगना, मेरे को ड्राइवर को बचाकर यहाँ से निकलना है। इसलिए जो काम मेरे को हैकर ने बोला है वो मैं कर यहाँ से निकलने वाला हूँ। प्लीज गाड़ी जल्दी से खुल जाए, मेरे को भी अंदर बैठना है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं गाड़ी के अंदर तो बैठ चुका हूँ। और गाइस यार ये जो गाड़ी है ना इसके जो विंग्स है वो खुली नहीं है, प्लीज खुल जाओ। ओ भाई फाइनली ये खुल गए। और गाइस यहाँ पर लिख रहा है डेंजर। ओ भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत सीन है। अभी गाइस जल्दी से ना मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी मेरे को इधर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये जो जगह है ना गाइस खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत सीन है। और ये मेरी कार यार जल्दी भाग, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार यहाँ पर। मतलब यार इतनी अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सबसे खतरनाक चीज थी वो मॉन्स्टर का स्केलेटन और साथ में वो जो सीक्रेट बेस की एंट्रेंस है वो कहाँ पर जा रही है, किस लिए है, उसके अंदर क्या होगा भाई अभी कुछ नहीं पता। कहीं पता चले अंदर मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता अंदर क्या होगा। गाइस आप लोग मेरे को कमेंट में जाकर जरूर बताना कि अंदर क्या हो सकता है, क्या वो जो हैकर है उसका सीक्रेट बेस हो सकता है या फिर आप लोग बताओ यार, मेरे को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो गाइस अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी ये जो कार है इसको लेकर यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो चलो गाइस फाइनली मैं अपनी कार को लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा बीच पे। और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों बाद मैं वापस आ रहा हूँ, वैसे भी एक ही दिन हुआ है। और गाइस यार अभी ना हम लोग चैन की सांस नहीं ले सकते जब तक हम लोग ड्राइवर को नहीं बचा लेते। अभी गाइस जल्दी से मैं अपनी कार को यहाँ पर दूसरे मोड में कन्वर्ट करता हूँ। और यहाँ पर किसी ने देखा तो नहीं ना, क्योंकि ये जो व्हीकल है काफी ज्यादा सीक्रेट व्हीकल है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और अभी ना गाइस इस गाड़ी को मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करवाऊंगा ताकि जिस बंदी की हमने चुराई है वो पहचान ना पाए। तो सबसे पहले तो इसका ना कलर चेंज करवाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ एकदम चुपचाप से। तो सामने की तरफ में ब्रिज टूटा हुआ है। ओ ये गाइस यार ब्रिज टूटा हुआ है, प्लीज नहीं 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 नहीं, अच्छा हुआ कि यहाँ पर मेरी गाड़ी टूटी नहीं, यहाँ पर जो ब्रिज है ना गाइस टूटा हुआ था। और अभी फिलहाल यहाँ पर मेरी गाड़ी ठीक हो चुकी है। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को उधर से मोड़ता हूँ। अगर मैं इस साइड से जंप मारता तो उस साइड पहुंच जाता, बट उस साइड से मैं इस साइड नहीं आ पाऊंगा। तो गाइस अभी पुलिस वालों ने सारे के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं क्या? यहाँ पर मेरे को आगे से भी पुलिस वालों के सायरन का साउंड आ रहा है। इस तरफ पे जब मर्जी आ जाओ, बंदे हमेशा जॉगिंग करते रहते हैं। वो देखो गाइस बीच पर ना इस टाइम पर भी पुलिस वाले अपना राउंड लगा रहे हैं। और यहाँ पर सामने की तरफ में भी पुलिस वालों की गाड़ियां आ रही है। तो गाइस देखो मैंने बोला है ना पलीटो में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, मतलब बीच तक पर इतनी ज्यादा पुलिस वालों की कार खड़ी हो रही है। सर क्या हुआ? नहीं 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 मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा बीच पर देखने जा रहे हैं, तो चलो यार अभी जल्दी से यहाँ पर मैं निकलता हूँ सीधा हाईवे पर। और हाईवे से निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि अभी लेस्टर ने मेरे को मिलने के लिए उसी जगह पर बुलाया है जिस जगह पर हमने लास्ट टाइम उस बंदे को टॉर्चर करा था। तो क्योंकि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस। और गाइस मैंने सोचा कि लेस्टर के पास जाने से पहले ना मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा लेता हूँ और इसका कलर भी चेंज करवा लूंगा, क्योंकि गाइस ये गाड़ी चोरी की है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले मेरे को पकड़ ले बेमतलब ही। तो जहां पर भी मैं जा रहा हूँ ना लॉस सैंटोस कस्टम की शॉप पर, वहीं से मैं अपनी गाड़ी को रिपेयर होने के लिए भी दे दूंगा। और लास्ट टाइम मैंने वहीं पर अपनी हार्ले डेविडसन भी वॉश होने के लिए खड़ी करवाई थी, तो भी जल्दी से वहां पर चलते हैं। बाकी हार्ले डेविडसन के अंदर ना गाइस अभी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवानी है, बट वो मैं इनसे नहीं, वो गाइस यार मैं बैनी से करवाऊंगा। तो बिना किसी तरीके ना भी चलते हैं सीधा अंदर। और यहां पर अभी गाइस इस गाड़ी के अंदर जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है वो भी करवाएंगे। बाकी तो आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो कितनी ज्यादा ये गंदी हो गई है। तो ओके गाइस अभी फटाफट मैं अपनी गाड़ी से यहां पर उतरता हूं। और मैंने अभी तक ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लगा रखा था, वाओ। और यहां पर मेरे सारे के सारे बाल पानी की वजह से पूरे के पूरे चिपक गए हैं। तो गाइस ये है अपनी हार्ले, तो भी जल्दी से यहां पर मैं इस पर बैठता हूं। और यार मेरे को ना ये स्कूबा डाइविंग सूट भी उतारना पड़ेगा, स्पेशली इसके शूज ही काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। ओ भाई साहब क्या साउंड आ रहा है यार अपनी बाइक का, मतलब कि यार ये देखो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। एक बार दोबारा से, तो 3 2 1 चल भाई स्टार्ट करके दिखा दे गाइस, साउंड सुना ध्यान से। ओ भाई साहब क्या गजब साउंड है यार इसका, मतलब कि यहाँ पर ना थोड़ा सा वैसा एरिया भी इसलिए कुछ ज़्यादा ही आवाज़ गूंज रही है। तो भी जल्दी से मैं अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलता हूँ। सबसे पहले मुझे कपड़े बदलने हैं, मॉडिफिकेशन वगैरह जो है मैं बाद में करवाऊंगा। गाइस अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइवर को बचाना, फालतू के जितने भी काम है वो अभी नहीं करने। तो भी बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले जाता हूँ लेस्टर के पास। वहीं पर कोई छोटे मोटे कपड़े पड़े होंगे जो अपने पुराने वाले हैं, वही मैं पहन लूंगा, क्योंकि गाइस अभी ना अपने पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं है, ड्राइवर को कुछ भी करके बचाना ही बचाना है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैं सीधा पहुंचने वाला हूँ उस जगह पर जहाँ पर हमने लास्ट टाइम उस हैकर को टॉर्चर करा था। और गाइस अभी ना लेस्टर कह रहा है कि वो जहां पर पहले छुपा हुआ था ना, अभी उस जगह से वो लोग थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा वो जो बड़ा वाला हैकर है उसने लेस्टर की लोकेशन ट्रैक कर ली थी, कहीं वो पुलिस वालों को ना बता दे, इसलिए लेस्टर यहां से निकल गया था। तो लेस्टर कह रहा है कि उसी जगह से थोड़ा सा आगे आ जाना, तो भी जल्दी से आगे चलकर देखते हैं लेस्टर हमें मिलता या फिर नहीं मिलता। बाकी यार ये जो जगह है ना ये काफी ज्यादा खतरनाक है, मेरे को तो लगता भी नहीं है कि यहां पर कभी पुलिस वाले आते भी होंगे। बाकी अभी थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं क्या पता हमें लेस्टर मिल जाए। तो यहां से बस मेरे को एकदम आराम से राइट
बाइक लेना है। वो लेस्टर ने मुझे यहीं पर आने के लिए बोला था, उसने कहा था गाड़ी हमारी तुम्हें नजर आ जाएगी। तो ओके गाइस, सामने की तरफ में ये देखो ये गाड़ी खड़ी हुई है। एक काम करता हूँ, मेरी जो बाइक है ना इसको भी मैं थोड़ा सा छुपा कर खड़े कर देता हूँ ताकि किसी भी बंदे को नजर ना आए। फिलहाल यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, इनसे हमें कोई भी डरने की बात है नहीं। तो अपनी बाइक को गाइस यार मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ। वो लग रहा है ना फ्रैंकलिन ने अपनी जो कार है उसके अंदर पेंट भी करवा लिया, क्योंकि लास्ट टाइम ये काफी ज्यादा गंदी हो गई थी। तो अभी ये पेंट करवाने के बाद साफ हो गई, लेकिन कीचड़ अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि अगर इस टनल के अंदर लाना है तो यार देखो गंदी तो हो ही जाएगी। और यहाँ पर अभी भी ये लोग इस बंदे को टॉर्चर कर रहे हैं, भैया क्या करवाना चाहते हो इससे। और गाइस यहाँ पर लहसुन ने अपना सेटअप भी कर लिया इतनी जल्दी जल्दी, तो अभी जल्दी से मैं इससे बात करता हूँ क्या सीन है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि अभी हम सारे के सारे ना मिलिट्री कर्नल के प्लान के अंदर बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं, मतलब कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना ये सारा का सारा मिलिट्री कर्नल का प्लान है। और गाइस लेस्टर कह रहा है कि अभी ना मिलिट्री कर्नल ने हम सबको अपने पास मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन यार देखो इसके अंदर ना एक रिस्क है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो हमें मार दे। बट यार देखो मिलिट्री कर्नल ये कह रहा है कि अगर उसे मारना होता ना तो वो सबमरीन में आकर हमें मार देता। तो यार बात तो ये भी बिल्कुल सही है, वो हमें मारना नहीं चाहता, वो हमसे कोई काम निकलवाना चाहता है। तो लेस्टर कह रहा है कि अभी हमें उसके पास मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा, मिलिट्री बेस में, वो भी जहां पर इतने सारे सोल्जर्स होते हैं। अब यार देखो वो जो भी काम है उसमें मना तो नहीं कर सकते, वरना तो वो हमें अरेस्ट कर लेगा या तो मार देगा। तो अभी ड्राइवर को बचाने के लिए हमें एक करना ही पड़ेगा। तो चल भाई लेस्टर मैं रेडी हूं चलने के लिए। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग बिना किसी देरी के निकल लेते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल के पास। बट यार वहां पर जाने से पहले ना मैं अपने कपड़े भी बदलूंगा, साथ के साथ में गाइस मुझे एक आर्मर भी चाहिए होगा और अपना देसी कट्टा भी मुझे छुपा कर रखना है। तो यार देखो अभी ना कुछ नहीं मालूम वहां पर चलकर क्या होने वाला है, हम लोग को मिलिट्री कर्नल मारेगा या फिर हमसे काम करवाएगा। काम भी करवाएगा तो क्या काम करवाएगा कुछ नहीं पता, इसलिए डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है कहीं भैया मार ना दे। बाकी हम लोग अपनी भी पूरी सिक्योरिटी रखकर चलेंगे वहां पर, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हम लोग नॉर्मली उसके पास चले जाएंगे। वैसे यार उसने वादा करा है कि वो हमें नहीं मारेगा, और बाकी अगर इतना बड़ा मिलिट्री कर्नल है तो झूठ बोल के तो हमें वैसे भी नहीं मारना चाहेगा। तो भी जल्दी से हम लोग यहाँ सबसे पहले बाहर निकलते हैं और फिर चलते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल के मिलिट्री बेस में। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे अपनी गाड़ी को बस इधर से लेफ्ट मोड़ना है, और सामने की तरफ में काफी ज्यादा बढ़िया शॉप है, यहाँ से मैं एक अपने लिए कोट पैंट खरीद लेता हूँ। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करते हैं। और अभी फिलहाल पुलिस वालों की जो सिक्योरिटी है ना वो भी काफी कम हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि वही से व्हाइट वाला कोट पैंट पहन लूँ, वो अपने लिए काफी ज्यादा लकी है। जब से तगड़े तगड़े कपड़े पहनना शुरू कर रहे हैं तब से और ज्यादा दिक्कत आ गई है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने व्हाइट सूट एंड व्हाइट शूज भी बाइक कर लिए हैं। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और अभी मैं निकल लेता हूँ सीधा मिलिट्री बेस के लिए। बाकी अपनी गाड़ी भी व्हाइट हम भी व्हाइट, कितना ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो जल्दी से आओ तुम दोनों भी भैया, जल्दी से गाड़ी में बैठो। और फ्रैंकलिन कहां पर रह गया भाई? अच्छा ये फ्रैंकलिन इधर से आ गया, चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से लेस्टर गाड़ी में बैठ। और यार वेपन्स मेरे पर है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, हमारे पास ना अभी यार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस अभी वहां पर चलकर देखते हैं कितनी सिक्योरिटी है, क्या क्या सीन है, वो वहीं पर जाके मालूम पड़ने वाला है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी कार को लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा मिलिट्री बेस। बाकी यार आप लोग भी सोच रहे हो कि ये कौन सा रास्ता है मिलिट्री बेस का, तो गाइस ये है बैक वाली एंट्रेंस जहां से मैं कभी नहीं आता हूं। वैसे यार सिक्योरिटी तो दोनों जगह ही उतनी होती है, बाकी आप इसको ना मिलिट्री बेस की मेन एंट्रेंस कह सकते हो, क्योंकि यहां पर फ्लैग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। बाकी मेन जो हाईवे से एंट्रेंस है वो तो उस साइड से ही है। तो बिना किसी देरी के मैं चलता हूं सीधा मिलिट्री बेस के अंदर। अब यार मेरे को बस ये चेक करना है कि ये लोग हमें ट्रीट किस टाइप से करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जाते ही सीधा हम लोग को मारने लग जाए। तो भी जल्दी से हम लोग यहां पर अंदर चलते हैं। और इस तरफ में गाइस एक फौजी तो खड़ा हुआ है, भाई गेट खोल क्या हो गया, हमें बुलाया यहां पर, एक सेकंड, लीव द एरिया। खुद ही उसने मिलने के लिए बुलाया भाई, यहाँ पर इसका क्या सीन है, गेट खोल रहा है नहीं खोल रहा, इसको लग रहा है हमें पहचानता नहीं है। ब्लैक मिरर ना, अभी गाड़ी से उतर के इसको मैं मारूंगा, बेटा तेरी ऐसी की तैसी, हमें जानता नहीं है क्या, तभी इसको शक्ल दिखानी पड़ेगी तब ये गेट खोलेगा। तो की गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस बंदे से बात हो गई है, इसने हमें बोल दिया कि हाँ आपको मिलिट्री कर्नल ने मिलने के लिए बुलाया है। भाई मतलब कि हमें थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो मिल गया इन लोग से। और ये कह रहा है कि अभी अंदर से एक टैंक आता ही होगा, उसके अंदर तुम तीनों को बैठ कर जाना है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं इससे बात ही कर रहा हूँ, अब देखते हैं पता नहीं टैंक कब तक आता है। काश मैं अपनी गाड़ी में अंदर जा पाता, ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से अंदर नहीं जाएगी। और अपने पास जितने भी वेपन्स है ना वो भी ये सारे के सारे अभी हमसे लेने वाले हैं। और गाइस वो देखो देखते देखते सामने से टैंक आ भी गया, तो भी जल्दी से हम तीनों को चल के इस वाले टैंक के अंदर बैठने तो जाऊँ क्या भाई? अभी चलो गाइस यार इसने भी हमें अंदर जाने के लिए बोल दिया है, और ये अपना पीछे की तरफ में चुपचाप चला गया। तो चलो गाइस यहाँ पर टैंक आ गया, अरे हट रहा हूँ। तो चलो गाइस अभी जल्दी से चलकर टैंक में बैठते हैं और सीधा चलते हैं उस जगह के लिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इसने टैंक तो स्टार्ट कर दिया है, और फिलहाल फ्रैंकलिन आगे वाली सीट पर बैठ गया और मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गया हूँ, और लेस्टर भी अपने साथ ही बैठने वाला है। और गाइस सर भी पता नहीं इस बंदे को टैंक कैसा चलाना आता है, कहीं ऐसा ना हो कि टैंक लेकर ऐसी जगह पर चले जाए जहां पर बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर गन्स लेकर खड़े हों, फिर तो यार बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी इसको टैंक तो बहुत ज्यादा तगड़ा चलाना आता है, मिलिट्री वाले बंदे पुलिस वाले बंदे जितने भी होते हैं ना उनकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, मतलब बिल्कुल ठोकते भी नहीं है और बहुत ज्यादा तेज भी चलाते हैं। तो की गाइस अभी ना फिलहाल इस सोल्जर ने अपने टैंक को काफी देर से इधर खड़ा कर रखा है, और अभी हमारी चेकिंग भी हो गया है, और अपने पास जितने भी वेपन्स है ना वो
सारे के सारे इन लोगों ने निकालने हैं। और यहाँ पर ये सुलझाना इस टाइम पर हमें फोर्थ जोन कोडू एयरबेस 0101 के अंदर लेकर जाने वाला है, ऐसा इसको मिलिट्री कर्नल ने कमांड दिया है। बाकी जो सामने वाला सबसे बड़ा वेयर हाउस है ना, शायद से यही है फोर्थ जोन कोडू एयरबेस 0101। बाकी यार ये कितना ज़्यादा बड़ा है, और इसका गेट मैं पहली बार खुलते हुए देखने वाला हूँ यार। इसके अंदर मैं काफ़ी टाइम पहले गया था और भाई कितना ज़्यादा बड़ा गेट है। तो चलो यार अभी फिलहाल इसका गेट भी खुल गया है और अभी शायद से मिलिट्री कर्नल भी यहीं पर आने वाला है। तो अभी हम सबको यहीं पर उतरने का, चलो कोई नहीं, जब तक ये उतरने के लिए नहीं बोलता हम लोग यहीं पर बैठे रहते हैं। तो ओके गाइस, यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन सोल्जर्स ने हम तीनों के हैंड कफ कर दिए हैं, यानी कि हथकड़ियों से बांध दिए हैं। और यार मेरे को पता नहीं अब ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब लोग हमको मार नहीं चाहते हैं। बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो सब ने हमारे ऊपर कैसे एम कर रखा है। पीछे एक बंदा टैंक के ऊपर चढ़कर बैठा है और उसके अंदर भी एक बंदा, कहीं ऐसा ना बजूका मार के हम तीनों को यहाँ पर खत्म कर दे। बाकी यार ये लोग कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो कर्नल है वो आता ही होगा, बट अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, अभी तक तो वो आया नहीं। ओके गाइस फाइनली वो आ गया और यहाँ पर उसके साथ भी इतने सारे सोल्जर्स आए हैं। भाई पता नहीं यार उस बंदे को यहाँ पर क्या बात करनी है। वैसे ये बात तो है, ये हमसे डरता बहुत ज्यादा है, मतलब इसको पता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ। क्योंकि यार यहाँ पर ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेने के बाद भी इसने हमारे यहाँ पर हाथ बांधे और उसके बाद भी अकेले मिलने नहीं आया, इतने सारे बंदों को अपने साथ लेकर आया। तो भी देखते हैं आखिरकार ये हमसे क्या बात करना चाहता है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल इस वाले मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है और गाइस ये ना अभी पता नहीं किसी से फोन पे बात कर रहा है, शायद से ये उसी सबमरीन वाले हैकर से बात कर रहा होगा। बाकी यार ये कह रहा है कि ना अभी अगर तुम्हें ड्राइवर को बचाना है तो तुम्हें मेरे लिए एक बहुत ज्यादा तगड़ा काम करना होगा। अब यार इससे ये जो मतलब मिलिट्री कर्नल है ना, इसको लगता है कि हमारे टेररिस्ट से कोई लिंक है, मतलब कि हम लोग टेररिस्ट के लिए भी काम करते हैं, ऐसा इसका मानना है। बट यार ऐसा कोई भी सीन नहीं है, उल्टा टेररिस्ट ने फ्रैंकलिन और लेस्टर किडनैप करा था। अब ये कह रहा है कि ना टेररिस्ट ने हमारा एक फाइटर जेट ले लिया है, तुम कुछ भी कर उस फाइटर जेट को ला कर दो तभी हम लोग ट्रेवर को छोड़ेंगे। बाकी यार ये जो है हमें मार नहीं सकता ना ही अरेस्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी प्रूफ तो है नहीं। तो गाइस देखो बिना फिलहाल हम लोग इसकी बात को टाल तो सकते हैं नहीं, अदरवाइज ये हमें यहीं के यहीं मार देगा। तो अभी हमें इसे जबरदस्ती हाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि ट्रेवर को भी बचाना ही है। बाकी यार अभी टेरिस का हमें कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहां पर है। बाकी लेस्टर की भी इस टाइम पर यार हालत खराब हो चुकी है, फ्रैंकलिन की भी। तो चलो यार अभी इसको हाँ बोलते हैं और टेरिस को ढूंढना शुरू करते हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मिलिट्री कर्नल यहां से जा रहा है और बाकी आप लोग देख पा रहे हो इसके आगे पीछे कम से कम 10 सोल्जर्स लगे पड़े हैं जो कि जाते जाते भी इसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी कर रहे हैं ताकि अगर मैं गोलियां चलाऊं तो उनकी गोलियां सारी की सारी पड़े, उसको कुछ भी ना हो। बाकी यार जब ये चले जाएगा ना यहाँ से, मेरे को लग रहा है तब ये लोग हमारे हाथ खोलेंगे और बाहर तक छोड़कर आएंगे। बाकी तो यार यहाँ पर देख रहे हो इसकी मतलब सिक्योरिटी कितनी खतरनाक है। लेकिन यार ये रहता कहाँ पर है, इससे मैं बदला ऐसा लूंगा ना, आज तक मैं मतलब कि इतना ज्यादा खतरनाक पंगे तो हमसे किसी ने भी नहीं लिए, इतनी देर में तो हम लोग मार के साइड कर देते थे। बट यार ये जो मिलिट्री सोल्जर है ना, ये अपने आप को मतलब मिलिट्री सोल्जर नहीं मिलिट्री कर्नल, ये अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझ रहा है। अबे हाथ तो खोलोगे अब की एम ही करते रहोगे मेरे ऊपर। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल इन लोगों ने हमें वापस से टैंक के अंदर बैठने के लिए बोल दिया है और अब ये लोग हमें बाहर तक छोड़कर आने वाले हैं और साथ में आगे पीछे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी रहेगी क्योंकि गाइस यार इन लोगों ने हमारे वेपन्स वापस कर दिए हैं और अब यार हमें इन लोग के लिए काम करना है ना, इसलिए इन्होंने हमें वेपन्स वापस कर दिए हैं और अभी ये पूरा का पूरा बाहर तक हमें छोड़कर आने वाले हैं। और गाइस यार अभी ना मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये जो मिलिट्री कर्नल है ना, ये मतलब रहता कहाँ पर है, यहाँ से बाहर निकल जाता है और जितने मिलिट्री कर्नल अभी तक मैंने देखे थे वो ना गाइस सामने वाले टावर के टॉप फ्लोर पे ही हमेशा बैठे रहते थे। बट यार ये वाला मिलिट्री कर्नल पता नहीं कहाँ पर जाकर अंडरग्राउंड में छुप जाता है या पता नहीं कहाँ पर चले जाता है, कुछ नहीं मालूम। तो गाइस यार एक तो ये जो सोल्जर है ना इतनी धीरे धीरे इस टैंक को चला रहा है ना, भाई पूछो मत, मेरे हिसाब से पता है इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहा है, क्योंकि जो पीछे सोल्जर्स आ रहे हैं ना ये ज्यादा पीछे ना रह जाए और हम लोग कोई चलाकी ना कर दे। वैसे यार हम लोग कोई चलाकी नहीं करने वाले, अभी हमें भी ड्राइवर की जान बचानी है। और वैसे यार इस वाले मिलिट्री कर्नल ने ना गाइस दिमाग बहुत ज्यादा तगड़ा लगाया, अपने चाल में पूरा का पूरा फंसा लिया। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर मेन गेट की एग्जिट पर पहुंच चुके हैं, तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर से उतरते हैं। और मेरे जो वेपन्स है, अच्छा हुआ कि इन्होंने मेरे को वापस दे दिए और थोड़ी बहुत ना इन्होंने गलती से पिस्टल्स भी मेरे को वापस दे दिए। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, भाई जा रहे हैं ना इसको इतनी जल्दी मछियों में भगाने की। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेस्टर भी आ चुका है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठ। और गाइस यार इन लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पर साइड में लगा दी थी, शायद से कोई गाड़ी आनी जानी होगी इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पर साइड में लगा दी। और इतनी गंदी कैसे होगी, इन्होंने अपनी गाड़ी चलाई भी थी क्या, यहाँ पर घास जैसे मतलब ग्रीन ग्रीन सा कुछ लगा हुआ ऊपर से। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अभी भाई पता है नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अब बस ये भैया लेस्टर ही बताएगा हमें क्या करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ सीधा सबमरीन में चलते हैं, बट यार उस हैकर को मारना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है और वो जो गेट है वो कैसे खुलेगा वो भी कुछ नहीं पता। अगर उस हैकर को पता चला ना कि वो वाला गेट हम लोग तोड़ने की या फिर खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक सेकंड में बटन दबाएगा, वो ट्रैवर के करंट लगेगा और ट्रैवर मर जाएगा। इसलिए यार सबमरीन में जाने का भी कोई फायदा नहीं है, वहां पर गए तो समझ लो ट्रैवर तो भैया फिर किसी भी कीमत पर
नहीं बचने वाला। या तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग उस हैकर तक पहुंच जाएं और उसको पता भी ना चले, बट यार ये भी इम्पॉसिबल है। तो चलो कोई नहीं यार, अभी सबसे पहले टेररिस्ट को ढूंढते हैं, ये जो मिलिट्री बेस वाले ना इन्हीं के लिए काम करते हैं, तभी शायद से ये लोग अभी यहाँ पर ट्रैवर को छोड़ने वाले हैं। अभी हमें इनके लिए एक जेट चुराना है और साथ में वो जो टेररिस्ट का मेन हेड है जिसकी कमांड पे सारे के सारे टेररिस्ट काम करते हैं, उस बंदे को पकड़ कर लाना है। बट यार वो इतना ज़्यादा आसान तो होगा नहीं, इनको लग रहा है कि वो सारे के सारे हमारे दोस्त हैं तो हम लोग आसानी से ढूंढ लेंगे, बट यार उल्टा टेररिस्ट से तो हमारी खुद लड़ाई चल रही है, इस चीज़ के बारे में इन लोग को नहीं मालूम। अब पता नहीं यार हम लोग क्या करने वाले हैं, लेस्टर ही कुछ बताएगा। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि जल्दी से अपनी गाड़ी को लॉस सैंटोस लेकर चलो। इसके दिमाग में गाइस एक बहुत ज़्यादा तगड़ा आइडिया है, मतलब कि लेस्टर एक ऐसे बंदे को जानता है जो कि एक बार ही ना लॉस सैंटोस में बॉम्ब प्लांट करता हुआ पकड़ा गया था। अब वो पुलिस वालों के हाथ में तो नहीं आया था, लेकिन उसके बारे में लेस्टर को पता चल गया था। और अभी लेस्टर को उसकी लोकेशन तो नहीं पता कि वो कहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है, लेकिन लेस्टर के पास उसका मोबाइल नंबर है, तो हम लोग उसका मोबाइल नंबर ट्रेस कर उसके पास तक पहुँच सकते हैं। बस उसका नंबर जो है ट्रेस हो जाए, क्योंकि यार वो टेररिस्ट है, इतनी आसानी से उसका नंबर हम लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे। बाकी लेस्टर भी किसी से कम नहीं है और साथ में वो वाला हैकर भी अपने पास ही है, तो शायद से दोनों लोग मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो भी जल्दी से हम लोग चलते सीधा लॉस सैंटोस। तो कि गाइस यार फाइनली मैं दोबारा से उसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ पर लेस्टर ने अपना दूसरा सीक्रेट बेस बनाया है। और एक काम करता हूँ गाइस, अपनी गाड़ी को ना मैं इधर ही छुपा कर पार्क कर देता हूँ, ताकि जो लोग यहाँ पर मेट्रो से आते जाते हैं ना उन लोग को भी ये नज़र ना आए। बाकी ऊपर ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अभी यहाँ पर एक मेट्रो तो आ गई है, अभी जल्दी से हम लोग उस साइड चल लेते हैं, वो तो अपना साइड से जाएगी। और मेरी बाइक ओके, तो गाइस यार यहाँ पर मैंने बाइक खड़ी करी थी, शायद से उस टाइम ही गिर गई थी। तो भी जल्दी से यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं कि ये वाला हैकर अभी जिंदा है या फिर मर गया। वैसे मरा तो नहीं होगा, बेहोश पड़ा होगा, ये देखो बेचारा तब से बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब कि यार इसका भी कुछ गलत ही सीन है। अभी जल्दी से यहाँ पर लेस्टर को बुलाते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, कर पाते हैं या फिर नहीं। तो ओकी गाइस, और अभी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर ने आते ही उस बंदे का मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि उसकी शक्ल ना कुछ ऐसी सी थी। अब ये जो इमेज है काफ़ी टाइम पुरानी है, मतलब कि आज से 5 साल पहले की, तो उसकी शक्ल थोड़ी बहुत तो बदल गई होगी। बाकी यार अभी हमें उस बंदे को ढूंढना ही है, लेकिन लेस्टर कह रहा है कि ना 10% चांस है कि लोकेशन गलत भी हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उसका दूसरा नंबर हो। और यहाँ पर ये खून किसका बह रहा है, लग रहा है फ्रैंकलिन गिरा था यहाँ पर शायद से, पता नहीं, वैसे इसके तो चोट लगी नहीं। तो चलो कोई नहीं यार, अभी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी बाइक लेता हूँ, शायद से मैंने अपनी बाइक ओके, तो ये रही मेरी बाइक। तो भी जल्दी से मैं अपनी बाइक पर बैठता हूँ, और लेस्टर ने वो जो लोकेशन है ना मेरे को निकाल कर दे दी है। और लेस्टर कह रहा है कि अगर और कोई अपडेट होगा तो वो भी वो साथ के साथ बता देगा। अभी सबसे पहले हम इस लोकेशन पर चलते हैं और देख कर आते हैं कि वहाँ पर वो बंदा है या फिर नहीं है। बाकी यार जो लोकेशन अभी मेरे को लेस्टर ने दी है ना, वो कुछ मतलब इस साइड पर है, तो भी जल्दी से मैं वहाँ पर चलना है और देख कर आना है कि वो बंदा हमें वहाँ पर मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो ओके गाइस, सर अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जो लोकेशन मुझे लेस्टर ने दी थी। बस यार मुझे ना आगे वाले कट से अपनी बाइक को यहाँ पर लेफ्ट लेना है, और इसके बाद ना थोड़ा बहुत नीचे जाना है, और फिर शायद से वो जगह आ जाएगी। और उसके लिए ना गाइस हमें थोड़ा बहुत पानी के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप सामने की तरफ वो छोटा सा आइलैंड देख पा रहे हो ना, उसी जगह पर लोकेशन हमें उसकी डिटेक्ट हुई है। बट यार अब वो वहाँ पर है या फिर नहीं है उसका भी कुछ नहीं पता, वो बस हमें वहाँ पर जाकर ही पता चलने वाला है। तो गाइस यार एकदम ना चुपचाप मैं वहाँ पर जाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें देख ले और फिर वो वहाँ से भाग जाए, फिर तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पर वहाँ पर जाने के लिए ना मुझे एक आध बोट चाहिए होगी, अदरवाइज मैं तैर कर जाऊँगा तो थोड़ा बहुत लेट हो जाऊँगा। तो यहाँ पर सामने की तरफ में एक बोट तो खड़ी हुई है, एक काम करता हूँ अपनी बाइक को ना यहीं पर मैं साइड में छुपा कर खड़ा कर देता हूँ, ताकि यार कोई चुरा वुरा के ना ले जाए। तो इसलिए ना यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके लगाए थे, ताकि कोई बच्चा बच्चा आके से उछेड़े ना, वो तेरी भैंस की, ये तो काफ़ी ज़्यादा भारी बाइक है, और ये ऊपर से गिर के चल ऐसे छोड़ दे। अभी जल्दी से आए यहाँ पर ये वाली बोट लेते हैं। इस बोट के ऊपर यहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इनको पहले ना यार उतारना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, वहीं पर जाकर इनको उतारते हैं और इनकी बोट लेकर चलते हैं आइलैंड पे। चलो भाई दोनों की दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ यहाँ पर, अभी हमें अपनी इस बोट को यूज़ करना है। वैसे अभी ये बोट जो है समझ लो एक टाइप से हमारी हो चुकी है, और फ्रैंकलिन तू क्या अगले साल आएगा क्या? तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम दोनों बोट के अंदर आकर बैठ चुके हैं, और ये दोनों लड़के यहाँ पर डर के मारे नीचे ही कूद गई। जल्दी से बैठ भाई फ्रैंकलिन, अभी जल्दी से हमें सामने वाले आइलैंड पर जाना है और देखते हैं कि हमें वो बंदा वहाँ पर मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैंने अपनी बोट को मोड़ लिया है, और अभी ना मैं जल्दी से लेकर उसी जगह पर जाने वाला हूँ। और सामने की तरफ मैंने गाइस एक छोटी सी ना उसने एक झोपड़ी बना रखी है, शायद से उसी के अंदर वो छुपकर बैठा होगा। और गाइस यार यहाँ पर ना इस तरफ में एक वुडन बोट है, वो वुडन बोट चलाता है क्या? नहीं ये उसकी नहीं होगी, ये किसी और की होगी, पता नहीं यार क्या सीन है। बाकी यार हम लोग ना यहाँ पर एकदम आराम से उतरते हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम दोनों लोग इस आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं, अभी ना एकदम आराम आराम से हम लोग आगे जाने वाले हैं। एक काम करता हूँ, सामने की तरफ में वो जो झोपड़पट्टी है ना उसको एक बारी मैं दूर से ही चेक कर लेता हूँ कि उसके अंदर वो बंदा है या फिर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग वहाँ पर जाएँ तब तक वो सीधा भाग कर चले जाए। फिलहाल इधर एक बंदा तो बैठा हुआ है यार, ये
देखने में तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बट वो गंजा नहीं था। बट ये 5 साल बाद क्या पता इसने अपना गंजा हो गया हो। बट एक सेकेंड, एक बंदा सामने की तरफ में हो रहा है। ये वाला जो बंदा है ना गाइस, ये मेरे को देखने में सेम टू सेम वही लग रहा है। अभी ना गाइस जल्दी से ना एकदम मैं आराम से चलता हूँ इसके पास। वैसे इसके पास बाल भी है, बट यार वो जो बंदा था ना वो थोड़ा बहुत गोरा था। एक काम करता हूँ, अपना ना एक वेपन निकाल लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सीधा मेरे को मारने लग जाए। बाकी यार इसकी शक्ल देख लो। नहीं यार, ये वो बंदा तो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन तेरी ऐसे की तरह से निकल यहाँ से। अभी यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो ये हमें देख ले और उसको बता दे। अब यार देखो, ये इतना ज़्यादा छुप के किस लिए रह रहे हैं? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही ना। और फिलहाल सामने की तरफ में 2-3 बंदे मेरे को और नज़र आ रहे हैं। और ये देखो गाइस, इनमें से कोई बंदा तो है। ये देखो यार, यहाँ पर गाइस 2-3 बंदे और हैं। तो गाइस यार, अभी ना मेरे को पता है क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो 2-3 बंदे खड़े हैं ना, इनमें से कोई बंदा और यहाँ पर ये तीनों के तीनों भागे। नहीं यार, इन तीनों में से कोई भी नहीं था। अभी चलो यार, इन तीनों को यहाँ पर जाने देते हैं। यहाँ तो नॉर्मल टूरिस्ट है यार, यहाँ पर बैठकर अपना हाथ सेक रहे हैं। अभी यार इनका पता नहीं क्या सीन है। फिलहाल ये यार लेस्टर ने गलत ही लोकेशन निकाली यहाँ पर। अगर वो होता तो अकेले होता ना, यहाँ पर एक आध लड़की भी थी। पता नहीं यार क्या सीन था। अभी जल्दी से एक बारी मैं अंदर चलता हूँ यहाँ पर। ओ भाई, इधर तो गाइस 3-3 लैपटॉप हैं और नीचे की तरफ में गाइस बॉम्ब लगे हुए हैं। एक सेकंड, यहाँ से निकलो गाइस। मेरे को पता है क्या, अब तो मैं 100% श्योर हूँ वो जो तीनों बंदे भागे हैं ना, उन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पर था। तो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमें जल्दी से भागना पड़ेगा, क्योंकि यार वहाँ पर उस बंदे ने बॉम्ब लगा दिए हैं और अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि वही बंदे ने गड़बड़ की। भाई साहब, यहाँ पर कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। अच्छा हुआ कि फ्रैंकलिन भी भागकर थोड़ा बहुत आगे आ गया था। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस जगह की क्या हालत हो गई है। यार वो जो बंदे यहाँ से भागे थे ना, उनमें से ही कोई ना कोई एक बंदा था यार जो कि इस चीज़ में शामिल था। अब वो भाई उसने क्या पागल बनाया, और यहाँ पर शायद से ना अंदर जो लैपटॉप थे वो भी यार अब तक ब्लास्ट हो गए होंगे। यानी कि उसके खिलाफ जो प्रूफ थे ना यार, अब वो भी हमें नहीं मिलने वाले। लेकिन गाइस यार, अब उस बंदे को हम लोग ढूंढेंगे। हाँ गाइस, एक आइडिया है। अगर वो भागा है तो सीधी सी बात है, फोन तो उसके पास अभी भी होगा। तो जल्दी से अभी मैं लश्कर को बोलता हूँ ताकि वो उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करे और हम लोग जल्दी से उसके पास पहुंचे। भाई साहब, वो बहुत ही ज्यादा चालाक बंदा था। तो ओके गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लश्कर से बात हो गई। लश्कर कह रहा है कि वो ज्यादा दूर नहीं, जरा सा ही आगे गया है। मतलब कि यार अभी बस वो हमारे हाथों से नहीं भाग सकता। उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि हम लोग उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, बस वो अपना फुल भागने में मस्त हो रहा है। फ्रैंकलिन जल्दी आ भाई, अभी अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी ना कुछ भी कर हम उसे बंदे को पकड़ना ही पकड़ना है। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी बोट के अंदर आकर बैठ चुका है। अभी ना जल्दी से मैं अपनी बोट को पीछे की तरफ में मोड़ता हूँ। और गाइस यार, अब ना मैं इसे सीधा लेकर जाने वाला हूँ सामने वाले आइलैंड पर, क्योंकि अभी ना लेस्टर ने बोला है कि वो सामने की तरफ में भाग कर गया है और वो कोई दूसरी बोट में ना बैठ कर यहाँ से भागने वाला है। अब पता नहीं यार, यहाँ पर दूसरी बोट तो मेरे को नजर नहीं आ रही। क्या पता आइलैंड के उस साइड पर हो, बट यार इधर भी नहीं है। फिलहाल सामने की तरफ में ना एक थोड़ा और बड़ा सा आइलैंड है यार। इधर आइलैंड तो नहीं कह सकते, छोटा मोटा आइलैंड कह ही सकते हैं। बाकी इधर ना 4-4, 3-3 ऐसे ही बने हुए हैं। तो भी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ यार। इस तरफ में मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा यार। सामने एक याच है, कहीं वो भागकर सबमरीन में तो नहीं जा रहा? लेकिन यार सबमरीन में क्यों जाएगा, क्योंकि वो वहाँ तो हैकर जो है वो खुद टेररिस्ट को पकड़ना चाहता है। पता नहीं यार क्या सीन है। अभी जल्दी से मुझे अपनी यहाँ पर बोट से उतरना पड़ेगा। फिसल के नीचे चली गई थी। फ्रैंकलिन ऊपर आए। यहाँ पर ना गाइस मेरे को एक बोट की आवाज़ आई। एक सेकेंड, यहाँ पर ना गाइस मेरे को एक ना बोट की आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा ना गाइस मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर। ओ भाई साहब, ये रही टेररिस्ट की बोट। और यहाँ पर ऊपर की तरफ में कुछ बंदे हैं, तुम्हारी ऐसी की तस्वीर सारे के सारे ना पिटेंगे। गाइस अब ना मैं 100% श्योर हूँ कि वो जो बंदे ना गाइस यार वो यहीं पर छुपा हुआ है। उधर जितने भी बंदे ना गाइस सारे के सारे मरने वाले हैं। तो पहले इन सबको मैं मारता हूँ। नीचे भी कुछ बंदे खड़े हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पर फिलहाल जितने बंदे मेरे को दिखे मैंने तो ऑलमोस्ट सबको मार दिया। ऊपर की तरफ में भी एक बंदा है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यही है वो टेररिस्ट जिसको हम लोग पकड़ने के लिए आए हुए हैं। बट यार अभी ना मैं इसको मारना नहीं चाहता। और यार इसको भी मेरे को पकड़ना है, बट मैं इस बोट के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। पता नहीं यार इसकी सीढ़ियाँ जो है ना वो हाथ में ही नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना पीछे से जंप मार के ऊपर चढ़ूंगा। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं बोट के ऊपर तो आ चुका हूँ। और इस तरफ में इसने काफ़ी ज़्यादा बंदे रखे हुए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। और एक कैसी से ड्रेस पहन कर बैठे हुए हैं। तो भी जल्दी से मैं आपको, एक सेकंड गाइस, यहाँ पर इसके पास गाइस काफी खतरनाक पिस्टल है और वो चला भी बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से रहा है। बट यार मेरे को इसे गन नहीं मारनी, मैं चाहूं तो इसे 2 मिनट में डाउन कर दूं। मेरे को ना गाइस यार इसको बेहोश करना है। अब यार बेहोश करने के लिए मेरे पास स्टन गन भी नहीं है। एक काम करता हूं, मेरे पास ना गाइस सिकल है और एक बेसबॉल बैट है। अभी ना जैसे इसकी गन रीलोड लगेगी ना, मैं इसके बेसबॉल बैट मारूंगा। और 3 गोली लगाकर रीलोड मार रहा है। इधर आती निकल यहां से। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल मैंने इसके एकदम बचा दिया है। उसके अंदर जान होता है अभी गाइस इसके, अच्छे से पड़ेगी ताकि दोबारा ना उठ पाए। बेटा उठा के यहाँ पर पानी में फेंक दूंगा। चलो भाई, यहाँ पर जिस बंदे की मैं तलाश थी फाइनली वो हमारे हाथ लग गया है। डंडे मार मार के इसके मैंने पैर तोड़ दिए। चल भाई फ्रैंकलिन ऊपर आ जाओ।
तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी ऊपर आ चुका है, तू वहीं रुक, मैं अपनी यहाँ पर से बोट स्टार्ट करता हूँ। और अभी भी इसके अंदर जाना है भाई, तेरी ऐसी की तैसी दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है यार, ये कहीं उठ के भाग ना जाए। फ्रैंकलिन ऊपर आकर तेको देखना पड़ेगा। अभी जल्दी से यहाँ पर मैं बोट चलाता हूँ, अभी बस फ्रैंकलिन भी ऊपर आ रहा है और यहाँ पर अभी देखते हैं भैया हमें कहाँ पर जाना चाहिए। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बोट को लेकर पहुँचने वाला हूँ बीच पे। और यार ये जो बंदा है ना बेचारे ने डर के मारे सारे के सारे सीक्रेट्स खोल दिए हैं, ये कह रहा है कि भाई बस मुझे मत मारना, मैं तुम्हें सब कुछ एकदम सच सच बता रहा हूँ। तो गाइस इसने ना हमें दो जगह बताई है जहाँ पर वो जो टेररिस्ट का मेन बॉस है वो मिल सकता है। अब जो जिसमें से पहली लोकेशन है वो वही वाली है जहाँ पर बिग माफिया के बेटे का सीक्रेट बेस था। वैसे यार अभी तक ना हमने इस बंदे को बिल्कुल भी मारा नहीं है, स्टार्टिंग में मारा था बेचारे के कपड़े फट गए, लेकिन अगर ये लोकेशन गलत हुई ना तेरा सिर फाड़ दूंगा मैं। तो चलो गाइस यार, थोड़ा बहुत मारना पड़ता है। और वैसे यही एक ऐसा बंदा है जिसने यार मतलब किसी टॉर्चर भी नहीं करना पड़ा, उसने सब कुछ एकदम सच सच बता दिया। बाकी यार इसने दो लोकेशन बताई है, पहली लोकेशन है उसका सीक्रेट बेस। वैसे वो जो उसका सीक्रेट बेस है ना वो बिग माफिया के बेटे का जो सीक्रेट बेस था, पहले वहां पर हमने कब्जा करा, उसके बाद वहां पर पुलिस वालों ने कब्जा करा, और उसके बाद अब टेररिस्ट ने वहां पर कब्जा कर लिया है। तो ये कह रहा है कि वो या तो वहां पर हो सकता है या फिर वो अपने घर पर हो सकता है। तो यार देखो, सीक्रेट बेस में जाने का मतलब तो यही है कि भाई वहाँ पर खतरा भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए पहले मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। और वैसे जो लोकेशन है मेरे हिसाब से सही होगी, इसलिए इस बंदे को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसने सब कुछ एकदम सही सही बताया था। और उसने मेरे को बोला था कि अगर मैं सही बताऊंगा तो तुम बस मेरे को मारना मत, तो अभी मैंने इसको नहीं मारा है। वैसे इसका मोबाइल फ़ोन नंबर हमारे पास है, अगर भागेगा तो हम लोग इसे दोबारा ट्रेस कर लेंगे। तो चलो यार, अभी जल्दी से मैं सबसे पहले बाहर निकलता हूँ और चलते हैं सीधा उस टेररिस्ट के घर पर। यार अभी वहाँ पर जाने से पहले ना हमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी चाहिए होगी, सिक्योरिटी नहीं, हमें थोड़े बहुत तगड़े आर्मर्स चाहिए होंगे। अगर मिलिट्री वालों से तो लोग नहीं, लेस्टर से ही लेने पड़ेंगे। बाकी यार छोड़ो, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सीधा वहां पर जाने वाला हूं, देखी जाएगी क्या होने वाला है। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेके उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जो लोकेशन मुझे उस बंदे ने दी। उसने मेरे को कहा था कि इधर ना टेररिस्ट का घर है, तो अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक को एकदम आराम से आगे लेकर चलता हूं। और इस जगह पर ना गाइस मैं काफी टाइम पहले आया था, बट तब तो मुझे इधर कुछ नहीं दिखा था, क्या पता अभी अभी मैं उसने बनाया हो। बाकी मेरे को थोड़ा बहुत तो नजर आ गया है, तो अपनी गाड़ी को ना यहां से एकदम थोड़ा सा और आगे लेता हूं और यहां से राइट मोड़ते हैं। अभी मेरे हिसाब से इधर काफी सारे बंदे होंगे, और गाइस यहां पर तीन चार बंदे तो हैं, और बेचारों को यहां पर हमने हाथी मार दिया। फ्रैंकलिन जल्दी से गाड़ी उतर, सामने की तरफ मेरे को तीन बंदे दिखे हैं, अभी ना गाइस इनके स्नाइपर बजानी पड़ेगी। एक बंदा अकड़ा निकल यहां से, चलो भाई बेचारे बहुत ही बुरी तरह अभी ये मेरे से सारे के सारे पिटेंगे। एक तेरा गंजे निकल, तू भी तेरा भी कोई काम नहीं है। यहां पर फिलहाल तीन बंदों को मैंने मार दिया। और इस तरफ ओ भाई साहब, एंट्रेंस में तो गाइस काफी सारे बंदे हैं, अभी इन सबको ना गाइस एक एक करके इनको बहुत ज्यादा आराम आराम से ना हेडशॉट मारने हैं, ताकि हम लोग ना आराम से सबसे पहले अंदर एंटर हो पाए, क्योंकि अगर हम लोग एक बार एंटर हो गए ना तभी कुछ हो पाएगा। तीन बंदे मैंने एंट्रेंस के डाउन कर दिया, फिलहाल एक बंदा और गया, यहां पर ना एक बंदा और बचा हुआ है। इस बंदे को ना गाइस बहुत ज्यादा संभल के मारना पड़ेगा, इसकी रीलोड लग जाएगी ना सोचना तो मारूं, लेकिन बेचारे ये कुछ ही कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको मैंने वैसे ही डाउन कर दिया। चलो भाई, यहां पर पांच बंदे थे मेन गेट पर, इन पांचों को तो मार दिया। फ्रैंकलिन जल्द, ओ भाई एक और बंदा सामने स्नाइपर मार देगा, भाई साहब स्नाइपर लेकर बैठा हुआ है और वो ना एक एक गोली चला रहा है, एक भी लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। निकल गंजे भाई, कटप्पा लग रहा है पूरा। फ्रैंकलिन जल्दी से गाड़ी बैठ, फ्रैंकलिन के पास स्नाइपर नहीं है इसलिए वो बेचारा ट्राई भी नहीं कर रहा मारने की। तो चलो भाई, अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने छह बंदे मार दिया है, और मेरे को लग रहा है कि गाइस अभी ना अंदर और भी काफी सारे बंदे होंगे। यार इधर बहुत सारे बंदे, एक मिनट ये तो बहुत बुरी तरह मारेंगे। अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ। ओ भाई अंदर भी काफी सारे बंदे हैं, जो मेरे को ऑटो बंद अपनी M249 निकाली, अब इन सब के पड़ने वाले बेटा। ऊपर चढ़ चढ़ के जो तुम बैठे हुए ना, सारे के सारे बहुत बुरी तरह पिटोगे। गाइस इनके अंदर ना जान बहुत ज्यादा है, पीछे से भी बंदे आए थे इनको भी मैंने मार दिया। अगर सामने भी कुछ बंदे हैं, और वो जो जेट हमें चुराने गाइस वो नीचे ही खड़ा हुआ है, जो कि मिलिट्री बेस की कर्नल ने मंगाया था। यहाँ पर ये वाला गेट खोलो गाइस, यहाँ पर तो कुछ सुपर कार्स भी हैं, इधर आकर तेरी ऐसी तरह निकल यहाँ से। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इधर की तरफ में काफी सारे बंदे मार दिए, और मेरे हिसाब से ना सामने वाले कमरे में भी काफी सारे बंदे हैं। एक काम करता हूँ, पहले ना इसके जितने भी शीशे हैं ना मैं सारे के सारे तोड़ देता हूँ, ताकि अगर कोई भी बंदा मेरे को मारने की कोशिश करे ना तो ज्यादा मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए। और ये जो मेरे पास ग्रेनेड है ना, इस ग्रेनेड को मैं अंदर फेंक दूंगा, प्लीज अंदर चले जा। शिट यार, हल्का सा रह गया। अभी फिलहाल नीचे वाले फ्लोर के भी अंदर नहीं गया वो। ओ भाई ग्रेनेड एकदम परफेक्ट अंदर गया है, तीन चार बंदे तो कन्फर्म मरे होंगे। अभी जल्दी से ना गाइस मेरे को अंदर चलना है, लेकिन अंदर जाने से पहले ना अपनी शॉटगन निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनके पास ये जो वेस्ट है ना, इनसे इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा रहेगी। और यहाँ पर ओ भाई तीन तीन बंदे खड़े हैं, रुक जाओ। M249 निकाली, 3 2 1 निकलो यहाँ से सारे के सारे, इसके लगी नहीं रही। चलो भाई यहाँ पर तीन बंदे थे, तीनों को डाउन कर दे। ये वाला तू कैसे बच गया भाई, गंजे निकल यहाँ से। ओ भाई तो गाइस देखो, अभी ना तीन बंदे मार दिए, लेकिन फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ गया, और फ्रैंकलिन ने एक ही गोली में इनको डाउन कर दिया। और यहाँ पर ना अभी हमें ऊपर चलना चाहिए। ये वाला शीशा तोड़ो भाई, ताकि अंदर अगर कोई भी हो उसको मैं पहली मार दूँ। ग्रेनेड डाल देता हूँ अंदर, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। और ये ग्रेनेड भिड़ के वापस नहीं चला, भाग 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 भाग। भाई फ्रैंकलिन ने भी सही टाइम पर जंप मार दी भाई, गलती से ना ग्रेनेड नीचे आ गया था, क्योंकि वहाँ पर जा लिया है। यहाँ से ग्रेनेड यहाँ से भी अंदर नहीं जा पाएगा भाई, इसने अपना घर बहुत
तगड़ा बनाया है। इस तरफ में ग्रेनेड अंदर चला गया बट उस साइड में नहीं जा पाया, क्या पता उसका वहां पर रूम हो। और काश यार वो इस टाइम पर घर में होगा ना तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, बाहर आजा बेटा निकल यहाँ से। जब मैं आराम से कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कहूंगा बाहर आजा, लेकिन नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रही। अभी फिलहाल यहाँ पर एक गेट हो रहा है, गेट खोलो। इसके अंदर तो दो तीन बंदे हैं, यहाँ पर एक बंदा और है, इसकी मैंने गोली मारती, वापस उठ गया, निकल यहाँ से तू भी। दोनों की गोलियां मार दिया, मेरी भी गोलियां पड़ गया गाइस बहुत बुरे वाली। और अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, एक ही गोली में दोनों को लूंगा। यहाँ पर बच गया, फटाफट से रिलोड करी भाई साहब। यहाँ पर मैंने एक बंदे के ना मतलब कम से कम तीन शॉट गन मारे, वो भी सब हेड पर निकल यहाँ से। अब मैंने दिया इसके बहुत तगड़े वाला शॉट। वैसे यार इन लोग का भी निशाना बहुत ज्यादा तगड़ा है। अंदर और बंदे तो नहीं है ना? चलो भाई अंदर अभी और कोई भी नहीं है। यहाँ पर इनका पूरा का पूरा किचन भी मैंने तोड़ डाला। मैं तो सोच रहा हूँ स्टेरिस का मैं पूरा का पूरा घर ही तबाह करके यहाँ से जाऊंगा। एक बंदा इधर खड़ा हुआ बेचारा, टॉयलेट करने आया हुआ, गन नहीं है इसलिए छुप कर खड़ा हुआ था, तो इसको भी मैंने मार दिया। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। शीशा कितना ज्यादा तगड़ा लगा रखा है यहाँ पर इन्होंने वॉशरूम में। अभी यहाँ पर ये वाला गेट खोलो, इसके अंदर भी कंफर्म कोई ना कोई तो होगा। यहाँ पर कोई है कि नहीं मेरे को कैसे पता करना होगा यहाँ पर फिलहाल। ओ भाई तेरी ऐसे की तैसे यहाँ पर मेरे को मारेगा। अभी इसके तो लात ही लात पड़ेगी बेचारा, एक गोली में गिर गया। जान है अभी तेरे अंदर? नहीं बची जान। शॉटगन में यही होता है, जितनी पास से मारो बंदा उतनी बुरी तरह मरता है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर नीचे की तरफ में जितने बंदे थे ऑलमोस्ट मैंने सभी को मार दिया। एक काम करता हूँ मैं ना ऊपर की तरफ में चलकर देखता हूँ, यहाँ पर भी कुछ बंदे हैं। तू भी निकल गंजे, और तू भी निकल। दो बंदे मैंने और मारे मेरे हिसाब से अंदर वाले कमरे में और भी बंदे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। कोई ना कोई तो यहाँ पर कंफर्म होगा। गेट खोलकर देखता हूँ, यहाँ पर वैसे मैंने ग्रेनेड डाला था इसलिए ना सारी की सारी वॉल्स टूट गई, ग्लास टूट गए, और जितने बंदे थे ना मेरे हिसाब से वो मर गए हैं। अभी फिलहाल ये वाला गेट खोलता हूँ, यहाँ पर तो मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने ऊपर आकर भी काफी सारे बंदे मार दिए, लेकिन यार आगे की तरफ में ना तीन रूम और है और मेरे हिसाब से इनके अंदर भी काफी सारे बंदे भरे हुए हैं। ये देखो एक बंदा तो गिरा और एक बंदा ऊपर की तरफ में खड़ा हुआ है। इसके ना गाइस सीधा मैं हेडशॉट ही मारने वाला हूँ। यहाँ पर इसको क्या हो गया? इसके लग रहा है ना किसी ने भाई नीचे से गोली मारी, फ्रैंकलिन ने मारी होगी। चल भाई निकल यहाँ से। तो चलो अभी ना फिलहाल मैंने इसके बता दी, एक बंदा गेरा तू भी निकल। भाई ये सारे के सारे ना बहुत ज्यादा चंट बन रहे हैं। तो यहाँ पर रुक जाओ यार, इतने सारे कंप्यूटर हैं सबको तोड़ो ताकि यार ये लोग ना हमारा डाटा कहीं पर भी ना दे पाए। अगर ये मैंने नहीं तोड़े ना तो टेररिस्ट जो है मतलब उसको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो भी जितने भी पीसी है ना सारे के सारे मैं तोड़ देता हूँ भाई, जितना भी डेटा था सारा बंद हो जाएगा। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं आगे चलकर देखता हूँ। भाई अंदर वाले रूम में एक बंदा हो रहा है तो इसको तो को काफी ज्यादा संभल के मारना पड़ेगा। निकल यहाँ से। चलो भाई अभी फिलहाल मैंने इसको मारा, ये वाला गेट खोल। गेट खोलते ही ऐसे की तैसे यहाँ पर अंदर मेरे हिसाब से और बंदे। ये देखो गाइस एक बंदा ने यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको एकदम इसका हाथ दिख रहा है, बट यार इसके मैं गोली कैसे मारू। एकदम बाहर निकला और ये मारी वापस अंदर, बेचारा एम ही नहीं कर पाया, मैं इतनी जल्दी उसे मार कर आ गया और उसका गाल इसमें लग गया है। तो चलो यार अभी फिलहाल मैंने इसको तो मार दिया, ये भी गया। ये वाला गेट खोल कर देखता हूँ मैं, कन्फर्म हूँ कि इसके अंदर भी कोई ना कोई बंदा तो जरूर होगा। फिलहाल इस तरफ में तो नहीं है, वो रहा तेरी, निकल यहाँ से। तो गाइस यार जैसे आप लोग यहाँ पर सामने वाली छत पर देख पा रहे हो, एक बंदा ना फ्रैंकलिन के ऊपर एम करके खड़ा हुआ है, बट यार अभी ना मैं इस बंदे को मार नहीं सकता क्योंकि बीच में बुलेट प्रूफ ग्लास है। चलो कोई नहीं, फ्रैंकलिन उसे संभाल लेगा, कोई इतनी भी दिक्कत की बात है नहीं। अभी जल्दी से ना यहाँ से मैं नीचे निकलता हूँ और आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यही वो जेट है जिसको लेकर हमें यहाँ से निकलना है। अब फिलहाल वो बंदा तो दिखा नहीं, बट वो जो बंदा है मतलब कि वो या तो अपने बेस में ही होगा, तो भी इसके बाद मैं वहीं पर जाने वाला हूँ। यहाँ पर एक बंदा और खड़ा हुआ था, इसको भी मैंने मार दिया। अभी जल्दी से गाइस मैं अपनी शॉटगन बाहर निकाल लेता हूँ, एक और मारनी पड़ेगी, इसके तब मरने वाला है वो भी हेड पे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी अपने साथ आ चुका है और पीछे की तरफ से मेरे अभी भी कोई ना कोई गोली मारने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इसको तो मैंने मार दिया। और गाइस यार यहाँ पर नीचे जेट है और इधर भी काफी सारे बंदे खड़े हुए हैं, तो एक को मैंने मारा, लेकिन यार अभी ना इधर काफी सारे, एक ही रहा, तू भी निकल बेटा। तो चलो गाइस यहाँ पर दो बंदे उड़ते, मैंने इन दोनों को भी मार दिया। अब ये जो जेट है जल्दी से फ्रैंकलिन आ जाए, इसमें बैठकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी जितने भी बंदे वो सारे के सारे मर चुके हैं। और एक सेकंड गाइस यार, ये यहाँ पर छुप के खड़े तो दोनों के दोनों बंदे, और बेटा तू क्या करेगा निकल यहाँ से, छुपने की एक्टिंग कर रहा है। तो फ्रैंकलिन जल्दी से नीचे, आप बस हमें यहाँ से निकलना है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन भी भागकर इधर आ गया। अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इस वाले जेट के अंदर बैठता हूँ। और गाइस यार ये ना डबल सीटर है और यहाँ पर मैं अभी आगे वाली सीट पर बैठूंगा क्योंकि इस टाइम पर मुझे उड़ाना है। फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ पीछे की तरफ से। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी भाग कर आ गए। इसको बेचारे को इतनी देर से समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके अंदर बैठते कहाँ से हैं, और अभी फिलहाल ये भी बैठ चुका है। और अभी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी जेट को लेकर निकलता हूँ। वैसे काफी ज्यादा छोटा रनवे है और इस तरफ में भी यहाँ पर दो तीन बंदे खड़े हुए थे, उनके ऊपर से मैंने चढ़ा दिया। गाइस ये जेट की स्पीड कितनी ज्यादा है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, राइट साइड में इसकी स्पीड इस टाइम पर गाइस 500 किलोमीटर पर आवर जा चुकी है। 500 नहीं गाइस, और भी ज्यादा इसकी स्पीड जा सकती है भाई सच्ची में। ये तो
जेट काफी ज्यादा स्पीड वाला है भाई, मतलब कि लॉस सैंटोस से पलीटो ये सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में बचा सकता है। 30 सेकंड भी मेरे हिसाब से मैंने शायद से ज़्यादा बोल दिया है। वो देखो ऊपर की तरफ भी प्लेन जा रहा है। वैसे यार अभी ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, बट यार ये जो जेट है ये हमें अपने लिए चुरा लेना चाहिए था। और ये देखो मैं कितनी जल्दी इस प्लेन की बराबरी पर पहुँच गया, यहाँ पर आराम से निकाल लेता हूँ भाई, ऐसा ना हो कि यार बेमतलब एक्सीडेंट हो जाए। और वो देखो सोचो वो प्लेन कब से उड़ रहा होगा, और मैंने 2 सेकंड के अंदर उसकी बराबरी कर ली। और यहाँ पर एक ही प्राइवेट जेट जा रहा है, अभी जल्दी से गाइस मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरे को ये वाले प्लेन को लेकर जाना है सीधा मिलिट्री बेस के लिए, वहीं पर ही लैंड कर दूंगा, वो लोग अपना ले लेंगे। बाकी तो यार यहाँ पर 600 ऑलमोस्ट 600 आप इसे कह सकते हो, वैसे इसकी मैक्स स्पीड है 575 किलोमीटर पर आवर। भाई मतलब कि मैं कब से कहाँ पहुँच गया, उसके अंदर वेपन भी लगे हुए हैं भाई, बहुत तगड़ा जेट है, इसीलिए मिलिट्री वालों ने इसको मुझे चुराने के लिए बोला है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने जेट को लेकर पहुँच चुका हूँ सीधा मिलिट्री बेस। लेकिन यार मुझे ना डर इस बात का लग रहा है कि यार मैं सही से इस जेट को लैंड करवा पाऊंगा या फिर नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि यार इसकी ना स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये देखो ये दोबारा से टेक ऑफ कर रहा भाई, प्लीज़ प्लीज़ रुक जा रुक जा रुक जा। वैसे मैंने स्टार्टिंग में तो सही लैंड करवाया था, लेकिन दूसरी बारी में थोड़ा सा गलत लैंड करवाया है, इसका शायद से ना पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा डैमेज हो गया है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं यार, इन्होंने लोगों ने ये बनाया तो शायद से लोग रिपेयर भी कर लेंगे। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं इसको लेकर चलता हूँ सेकंड एयरलाइन। वैसे ये सेकंड एयरलाइन नहीं है, ये भी आप एक छोटा सा रनवे तो कह सकते हो। यहाँ पर ना टोटल 3 रनवे बने हुए हैं, बट ये जो है ना गाइस ये मेन रनवे है जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करते हैं। अभी छोटे मोटे शायद से इन्होंने ये पार्किंग वगैरह के लिए कर रखे हैं। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं इस वाले जेट को खड़ा करता हूँ। और गाइस यार ये जो जेट है ना आप लोग देख पा रहे हो, इस जेट का जो साइज़ है ऑलमोस्ट कार्गो प्लेन के बराबर नहीं उससे बड़ा है। मेरे को लग रहा था कार्गो प्लेन के बराबर है, लेकिन गाइस यार इसका साइज़ तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैंने इसे पार्क कर दिया। अभी मिलिट्री कर्नल को तो नंबर मेरे पास है नहीं, वरना मैं कॉल करके बताता, बट यहाँ पर इन लोग को मालूम ही पड़ गया होगा क्योंकि प्लेन आया और ये लोग वैसे भी चेकआउट करते रहते हैं। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग ने कम से कम एक काम तो सक्सेसफुली करा, मतलब कि जो इन लोग को जेट चाहिए था वो हमने वापस लाकर दे दिया है। बट यार अभी मेन काम है टेररिस्ट का जो मेन बॉस है, यानी कि जो सबसे उनके टॉप लेवल पर है उसको पकड़ कर लाना है। उससे पहले यार ये लोग ड्राइवर को नहीं छोड़ने वाले। और यार यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी है या फिर हमें पूरा का पूरा मिलिट्री बेस पैदल ही निकल कर जाना पड़ेगा? यार एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर सामने चलो कोई नहीं, सामने की तरफ मेरे को एक जीप नजर आ गई। और वैसे भी अभी मैं इनकी जीप चुरा करने जाने वाला हूँ, और अगर मैं भी इनकी जीप चुराता हूँ तो ये लोग मेरे कुछ कहने भी नहीं वाले, क्योंकि अभी हम लोग इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ के सभी मिलिट्री सोल्जर को ये बात मालूम है। तो जल्दी से आ भाई फ्रैंकलिन गाड़ी में बैठ, वैसे इतना कम टाइम है, ड्राइवर को बचाना है, कहीं ऐसा ना हो कि उस हैकर का दिमाग खराब हो और वो ड्राइवर को मार दे। भाई मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है कि आखिरकार वो जो हैकर है वो कितने पैसे ले रहा होगा यार इन मिलिट्री वालों से उनका काम करने के लिए। मेरे हिसाब से ये ना $1 बिलियन की तो डील हो गई होगी। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ सीधा पार्किंग में। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से मैं लेफ्ट मोड़ता हूँ। और गाइस इस तरफ में तो काफी सारी सही सही SUV खड़ी हुई है, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये वाली रहेगी। तो भी जल्दी से यार इस वाली गाड़ी में बैठते हैं हम लोग और यहाँ से निकल लेते हैं सीधा उस जगह के लिए, यानी माउंट शिलाड़ के लिए, जहाँ पर बिग माफिया के बेटे का सीक्रेट बेस था। वहीं पर अभी टेररिस्ट ने कब्जा कर रखा है, मतलब कि यार वो जो बेस है ना वहाँ पर एक बंदा जाता है दूसरा बंदा आगे कब्जा कर लेता है। पहले हमने करा, मतलब पहले बिग माफिया का था, फिर बिग माफिया के बेटे का हुआ, फिर हमने उस पर कब्जा करा, फिर उसके बाद आ गए ये मतलब पुलिस वाले, फिर उसके बाद आ गए टेररिस्ट। और भाई सॉरी मैंने यार मजे में वो तोड़ दिया गेट। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली मैं अपनी बाइक लेकर पहुंच गया हूँ माउंट शिलियाड के सीक्रेट बेस के अंदर, और ये वही वाली टनल आ चुकी है जहाँ से हम लोग हमेशा जाया करते थे। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी बाइक लेकर आगे चलता हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि आज भी मतलब इस जगह पर यार कोई भी बंदा आता जाता नहीं है, मतलब हर बंदा यार यहाँ पर आने से डरता है। और गाइस यार इस तरफ तो इन्होंने ये वाला गेट दोबारा से बंद कर दिया, मैं इधर आग लगाकर पूरा गेट तोड़कर चला गया था, बट यार इन लोगों ने ये तो रिपेयर कर दिया, अब मैं अंदर कहाँ से जाऊँगा? ओ एक सेकंड मेरे को अभी दूसरा रास्ता याद है, जो बिग माफिया के बेटे ने दूसरी एंट्रेंस बना रखी थी ना, जहाँ से हम लोग एक बारी पाइप के थ्रू हमने रिमोट कंट्रोल कार भेजी थी। तो भी हम लोग जल्दी से वहाँ से चलते हैं। और एक सेकंड गाइस यार उधर ना मेरे को एक बटन दबाने का आया था, अगर शायद से मैं उधर बटन दबाऊंगा ना तो फिर मैं अंदर जा सकता हूँ। गाइस यार ये देखो ये मशीन ना इन्होंने गलत लगाई है, जो उन लोगों ने लगाई थी ना उसमें ये चीज़ नहीं आती थी। तो भी जल्दी से यहाँ पर हम लोग इसके अंदर चलते हैं वाला गेट खोल के। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग ने काफी ज्यादा कारस्तानी कर ये वाला गेट खोल दिया, और अब हम लोग टनल के अंदर जा सकते हैं। अब यार देखो जो बिग माफिया का बेटा था ना उसने इसके अंदर काफी ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी लगवा रखी थी, बिना पासपोर्ट डाले कोई नहीं खोल सकता था इस गेट को। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इस वाले गेट को खोल दिया है। ये जो टेररिस्ट है ना इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी बाइक को लेकर अंदर चलता हूँ। बाकी तो यार ये जो टनल है बिल्कुल साफ कर दिया टेररिस्ट ने, इसके अंदर आप लोग को याद होगा आपने कितने बड़े बड़े ब्लास्ट करे थे, अब यार इसके अंदर कुछ भी नजर आ रहा। खैर छोड़ो वो बात की बात है, अभी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी बाइक को लेकर अंदर चलता हूँ और देखते हैं अभी क्या सीन है।
तो गाइस यार देखो, मुझे तो लग रहा था इधर काफी सारे टेररिस्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी, बट यार इधर तो कुछ ऐसा सीन है ही नहीं। मैं इतनी ज्यादा आराम से अंदर आ गया, बट अभी तक मेरे को कोई भी बंदा इधर नहीं दिखा है। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी बाइक को आगे लेकर चलता हूँ। और गाइस यार देखो, ये वही वाला गेट है जहाँ से बिग माफिया का बेटा भागा था। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ये वाला गेट उसने अभी भी बंद कर रखा है, बाकी हमें तो सब कुछ मालूम पड़ ही चुका है। खैर छोड़ो, बिग माफिया के बेटे का तो सीन खत्म हो ही गया है। अभी हम लोग जल्दी से यहाँ पर अपनी बाइक को लेकर आगे चलते हैं। और गाइस, ये सारे के सारे रस्ते ना मेरे को बिग माफिया के बेटे ने याद करा दिया था घुमा घुमा के, इसलिए मेरे को भी ना काफी कुछ याद है। यार ये इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा बेस है ना सीक्रेट, मतलब कि इतना बड़ा बेस ना अगर कोई बनाने भी बैठे तो कम से कम 20 साल उसको बनाने बनाने में लग जाएंगे। तो भी जल्दी से यहां पर मैं अपनी बाइक को अंदर लेकर चलता हूं। अब यार देखो, आप लोग भी सोच रहे हो कि 20 साल मैंने ज्यादा बोल दिया, तो यार देखो 20 साल इसलिए बोल दिया क्योंकि ये अंडरग्राउंड बेस है। तो अंडरग्राउंड पूरी जमीन को खोदना, वो भी एक माउंटेन के नीचे, एक टाइप से ना इंपॉसिबल है कहीं माउंटेन ही ना नीचे गिर जाए। अभी फिलहाल अपनी बाइक को लेकर मैं काफी ज्यादा आगे आ गया हूं, बट अभी तक मेरे को एक भी इधर नजर नहीं आया है। तो कि गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी बाइक लेकर लैब एक्सेस वाले एरिया में आ चुका हूँ। और यहाँ पर ये बीच में किसने लाइट लगवा रखी है, इसको साइड में हटाओ। और देखो भाई, सामने की तरफ में ना एक एंट्रेंस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ना अभी मुझे आगे जाना चाहिए। फ्रैंकलिन अपनी गन्स बाहर कर ले यहाँ पर, क्योंकि अभी गड़बड़ हो सकती है। और ये वाली लाइट गिरी हुई है, और ये वाला गेट तो हमेशा से बंद होता था। तो चलो यार, अभी फिलहाल यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, वो वाला गेट भी बंद है, तो जल्दी से मैं आगे चलता हूँ। ओ भाई, ये वाला गेट कैसे बंद हो गया? गाइस इधर की तरफ में जितने भी गेट है ना, इन सभी गेट को बिग माफिया के बेटे के अलावा कोई भी नहीं कंट्रोल कर पाता, क्योंकि ये गेट काफी ज्यादा हैवी है और इनके लिए पासवर्ड चाहिए होता है इनको कंट्रोल करने के लिए। बट यार ये गेट कैसे कंट्रोल हो गया, इसे मतलब बंद कैसे कर दिया टेररिस्ट ने? मैं तो टेररिस्ट को हल्का फुल्का समझ रहा था, बट यार उन्होंने तो बिग माफिया के बेटे का गेट ही हैक कर लिया। एक काम करता हूं, जल्दी से ना लेस्टर को कॉल करता हूं। लेस्टर ये अभी हमें कुछ बताने वाला है, क्योंकि अगर इन लोगों ने हैक कर लिया तो लेस्टर भी हैक कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कि गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो गया है। लेस्टर कह रहा है कि वहां पर जो डिवाइस लगा हुआ है ना, जिसके अंदर हमें पासवर्ड डालना है, उसकी फोटो खींच के भेजो, तभी वो बता पाएगा कि ये चीज हैक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। फिलहाल वो डिवाइस कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ डिवाइस, तो भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं इसकी फोटो खींच के भेजता हूँ। वैसे यार ये तो नॉर्मल आईफ्रूट का टैब है, तो शायद से तो इसको कोई भी हैक कर लेगा। अभी फिलहाल ये जो फोटो मैंने कैप्चर कर ली, अभी लेस्टर को मैं सेंड कर देता हूँ। तो कि गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर ने वहीं से बैठे बैठे इस वाले टैप को ऑन कर दिया, इससे जितने भी नेटवर्क्स कनेक्ट थे ना उसने वो सारे के सारे हैक कर लिए। और अभी लेस्टर कह रहा है कि इसका पासवर्ड है 6090, तो भी जल्दी से इस पासवर्ड को डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। एक सेकंड, ये कौन बोला? ओके, यहाँ पर गाइस यार इसके अंदर से ना किसी की बोलने की आवाज आ रही है, और वो लेस्टर से बात कर रहा है। ओ भाई, ओके तो गाइस यार देखो, ये जो बंदा ना ये कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर ब्लास्ट में तुम लोग को सबको मार दूंगा, ये वाला गेट तुम्हारे बस की नहीं है खोलना, ये लेस्टर को चैलेंज कर रहा है। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेस्टर ने इसे ऑलरेडी हैक कर दिया। अभी जल्दी से हम लोग इसे खोल कर देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। बाकी तो लो गाइस, फाइनली ये वाला गेट खुल गया है, और लेस्टर ने हैक करा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेट ना खुले। तो चलो गाइस यार, अभी फटाफट से इस जगह के अंदर चलते हैं। बाकी यार देखो, अंदर जाने में डर तो थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि यार ये टेररिस्ट का बेस हो चुका है, बिग माफिया के बेटे का नहीं है, तो खतरा तो यहां पर काफी ज्यादा होगा। तो भी जल्दी से ना यहां पर गेट मेरे को गन से खोलना चाहिए या फिर हाथ से? वैसे यार देखो, गन से खोलूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, भाई पता चले मैंने नॉर्मली गेट खोला और सामने से बंदों ने मारना शुरू कर दिया। फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा संभल के रही हो, क्योंकि यहां पर कुछ अता पता नहीं है, बंदे कहीं से भी आ सकते हैं। फिलहाल मेरे को यहां पर कोई भी बंदा नहीं दिख रहा हमें नॉर्मली। ओ भाई, ये आया सामने से, ओ तेरी भाई साहब, ये कहां से भागते हुए आया था भाई, कितनी बुरी तरह इसके एकदम क्विक हेडशॉट पड़ा। वो देखो सामने से एक और बंदा आया, फ्रैंकलिन मार इनके भाई, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर आना शुरू कर दे। ओ भाई क्या मस्त जगह है, यहाँ पर बैठ जाता हूँ मैं आराम से, उस साइड बैठ जाओ, उस साइड बैठ जाओ, बहुत सही जगह है। अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर काफी सारे बंदे आ गए हैं, और ये जो बंदे भाई काफी ज्यादा अजीब से ड्रेस में है, और इसके अंदर से गाइस काफी सारे एक के बाद एक बंदे निकल कर आए जा रहे हैं, गोलियां चलाते रहे, रुकेगी तो हम लोग नहीं बचने वाले, इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूसली फायर करते रहे। अभी फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे आए थे हमने ऑलमोस्ट सबको मार दिया, निकल यहाँ से तू भी। और अभी भाई फाइनली यहाँ पर हमने काफी सारे बंदे मार दिए। और गाइस इस टाइप के जो बंदे हैं ना, उस टाइप के जो टेररिस्ट है, मैं पहली बार देखा हूँ, मैंने आज तक इस टाइप की शक्ल के बंदे, मतलब इस टाइप की जो टेररिस्ट है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। मेरे पीछे एकदम आराम आराम से अभी हमें ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि गाइस यार ये जो इनका बॉस है ना, अब तो मैं 100% श्योर हूँ यहीं पर छुप कर बैठा है, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा। ओ भाई यहाँ पर भी एक बंदा है, ओ भाई इसके मैंने बजा दिया, निकल यहाँ से तेरी ऐसे की तैसी, बहुत बुरी तरह गोली मारी है मैंने इसके। अभी फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी ऊपर है भाई, बहुत ज्यादा खतरा। ओ भाई यहाँ पर ऊपर कोई गाइस मिनी गन लेकर बैठा हुआ है, और बहुत ही बुरी तरह फायर करेगा, वो देखो सामने की तरफ में है, तो मारा भाई ना इसके हेडशॉट मारेगा खतरनाक वाला, ये रहा, आजा 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 तेरी ऐसे की तैसी, ये खड़ा, निकल यहाँ से। ओ भाई क्या सही शॉट दिया यहाँ पर, मार 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 आराम से मार, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलो गाइस यार, बिना फिलहाल फ्रैंकलिन भी इधर ही आकर बैठ चुका है। फ्रैंकलिन इधर का ध्यान रख, सामने की तरफ में एक बंदा और दिखा है, इसके तो मैं हेडशॉट ही बजाऊंगा निकल यहाँ से। भाई कुछ इस तरीके से ही ना अभी हमें बंदों को मारना पड़ेगा। वो देखो उसके हेडशॉट मारा है, वो फिर से खड़ा हो गया। भाई बहुत ज्यादा जान है इन लोग के अंदर, मतलब कि 2 से 3 हेडशॉट ये लोग आराम से खा सकते हैं, इतने ज्यादा तगड़े इनके पास आर्मर है। बट यार अपने जो आर्मर है ना वो इनसे भी ज्यादा तगड़े है। तो भी जल्दी से गाइस यार मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ। फ्रैंकलिन तो इधर ही रहे, यहाँ पर इन लोग का कुछ पता नहीं है ये लोग में कितनी जान है। और ये देखो इसको मैंने मार दिया। अभी गाइस इसको पूरा मेरे को फिनिश करना पड़ेगा बैठकर। एक बंदा और आ रहा था, जल्दी रीलोड रीलोड रीलोड, फटाफट से और बंदे ना आ जाए। चलो भाई यार रीलोड करने का भी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अभी गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं ऊपर चलता हूँ। फ्रैंकलिन तो नीचे रुक, मैं एक बार ऊपर होकर आता हूँ ताकि हमें ऊपर वाले बंदे, अगर देखो मैं ऊपर आ जाऊंगा ना तो नीचे वाले बंदे नहीं मार पाएंगे, बट अगर मैं नीचे रहूंगा तो ऊपर वाले बंदे भी हमें मारेंगे और नीचे वाले बंदे भी मारेंगे। इसलिए गाइस अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक शीशा और लगा हुआ है, कोई है तो नहीं ना, प्लीज प्लीज प्लीज, राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ। यहाँ पर फिलहाल गोलियां तो चल रही है बट अभी तक मेरे को कोई भी बंदा ऊपर नजर नहीं आया। जल्दी 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 भाग कर अंदर 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 अंदर, यहाँ पर पीछे काफी सारे बंदे हैं। निकल, तेरी गेट बंद हो, गेट बंद हो। चलो भाई यहाँ पर मैंने गेट बंद कर दिया। फ्रैंकलिन बहुत संभल संभल के आई हो भाई। फ्रैंकलिन को यार मैं कैसे कमांड दूँ, काश यार अपने पास एक वॉकी टॉकी होता। और चलो भाई फ्रैंकलिन भी अपने साथ ही ऊपर आ चुका है। तो चलो भाई सर अभी ना फिलहाल सामने की तरफ से ना एक बंदा मिनी गन चला रहा है और अब पड़ेगा इसका हेडशॉट। निकल भाई, क्या मस्त शॉट मारा है इसके बेचारा, मेरे को नहीं लग रहा कि अब ये उठ पाएगा। एक बार शक्ल दिखाइए कहाँ पर है, किधर मैंने मारा था इसको। ओ भाई यहाँ पर मैंने 3 शीशे पार करा दी क्या अपनी गोली। ओ भाई ये निकल यहाँ से। भाई पता नहीं कैसी सी शक्ल है इन लोग की, अब पता नहीं ये सच्ची में इंसान है या फिर रोबोट है। वैसे है तो ये लोग इंसान ही, मतलब यार रोबोट नहीं है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन और मैंने मिलकर ऊपर वाले फ्लोर पर जितने भी बंदे थे ना सबको मार दिया। अब यार देखो इधर ना काफी सारे गेट हैं। अब इन सभी गेट के अंदर ना लिफ्ट लगी हुई है जो कि यार सीधा ग्राउंड फ्लोर पर ले जाती है, तो मेरे हिसाब से इन लिफ्ट का कोई भी यूज नहीं है। फिलहाल गाइस इस तरफ में ना मेरे को एक थोड़ा सा डोर दिखा है और ये डोर के अंदर भाई कोई ना कोई, अबे यार यहाँ तो, ओ भाई इसके अंदर भी एक बंदा है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर नॉर्मल सी सीढ़ियां हैं। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं इस बंदे को भी मारता हूँ। गाइस इधर ना काफी सारे बंदे हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो फ्रैंकलिन जल्दी से मेरे पीछे पीछे एकदम आराम आराम से हम लोग अभी नीचे चलकर देखते हैं। इधर काफी सारे शीशे हैं, सारे शीशे तोड़ दो, कोई ना कोई शीशा तो किसी ना किसी गंजे के सर में जाके चुभेगा ही ना। यहाँ पर सारे के सारे टकले टकले खड़े हुए हैं। तो भी जल्दी से एकदम नीचे चलता हूँ बहुत ज्यादा आराम आराम से। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन लोग से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा देर हो गई है और ये है कि यार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब यार कुछ नहीं पता कि आखिरकार इधर कितने सारे टेररिस्ट हैं। अब यार देखो इनको तो मारने में भी डर लग रहा है, मतलब कि जैसे मैं उठ रहा हूँ ना ये लोग सीधा मारना शुरू कर रहे हैं। निकल यहाँ से अभी भाई, जब तक अपने पास स्नाइपर है ना तब तक हम लोग जिंदा है। जहाँ इसकी एमो खत्म हुई ना तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अभी तो फिलहाल अपनी स्नाइपर एकदम सही चल रही है। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मेरे पास ना गाइस कुछ स्टिकी बॉम्ब्स हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इनका यूज़ करूँ, बट यार ये वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। पूरी जान लगा कर फेंकता हूँ। ओ शिट, ये तो यहीं पर चिपक गया और दूसरा वाला भी यहीं पर चिपक गया। एक तो दूर चले जा यार, ये वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। फ्रैंकलिन यहाँ से हट, मैं बॉम्ब फोड़ने जा रहा हूँ। अब बॉम्ब फूटेंगे और असली तबाही मचेगी। चलो भाई यहाँ पर मैंने बॉम्ब फोड़ा, बट यार मेरे को नहीं लगता कि यार हम लोग इनको मार पाएंगे, ये बहुत सारे लोग हैं। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इधर इतने सारे बंदे आ कहाँ से रहे हैं। मतलब यार हम लोग इतनी देर से इन लोग को मारने में लगे पड़े हैं, बट यार ये है कि एक के बाद एक आए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, इसकी भैंस की टांग निकल यहाँ से। अब मैं इसके ना वहीं पर आके मिनी गन बजाने वाला हूँ। कहाँ गया, इधर आ। अब इसके पड़ेगी बहुत ही बुरी तरीके से। निकल, अब यार इसके पीछे 3-4 बंदे और थे, वो भी शायद से डाउन हुए कि नहीं नहीं एक बंदा और था, उसकी गोलियाँ पड़ी है और ये आ रहा है सामने से। निकल गंजे, यार मेरे को लग रहा है ना अब हमें यहाँ से भागने लाना चाहिए क्योंकि यार इधर यार एक के बाद एक बंदे आए जा रहे हैं तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। भाई फ्रैंकलिन जल्दी से यहाँ पर जो लिफ्ट है ना उसके अंदर हम लोग बैठते हैं, यहाँ से निकलते हैं। भाई टेररिस्ट बहुत ज्यादा है, एक बार को तो मेरे को लग रहा है जो मिलिट्री है ना उससे ज्यादा तो टेररिस्ट ही है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोग भाग कर आ चुके हैं सीधा बाहर जाने के लिए। और यार यहाँ पर ना गेट पर भी इतने सारे बंदे खड़े हैं। निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की तरसी। भाई कितने बंदे हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इन सबके पास ना एकदम अलग से आर्मर है, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कुछ इनके ऊपर बना हुआ है। तो फ्रैंकलिन जल्दी यहाँ से निकल गाइस, यार ये जो जगह है ना अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। जल्दी से ना यहाँ पर हम लोग लेस्टर को बोलकर ये वाला जो गेट है इसको बंद करवाते ताकि ये लोग बाहर ना आ पाए। अभी जो भी बाहर आने की कोशिश करेगा ना उन सबको मैं मार रहा हूँ। जल्दी से फ्रैंकलिन लेस्टर को कॉल कर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग ने ये वाला गेट तो लॉक करवा दिया है, बट यार लेस्टर कह रहा है कि इस गेट को पूरा मत लॉक करना क्योंकि अगर ये गेट एक बार पूरा लॉक हो गया ना तो फिर वो चाहे तो अंदर से परमानेंट लॉक भी कर सकते हैं, उसके बाद हैक करना मुश्किल है क्योंकि अभी ये वाला जो डिवाइस है उन लोगों ने बंद कर दिया है, मतलब कि इससे अपने जो कनेक्शन है वो पूरे के पूरे डिस्कनेक्ट
अटैक कर दिया। अब सामने की तरफ में जो बंदे हैं ना, हमें मारने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट यार अभी यहाँ पर इन लोग को भी मारना जरूरी है। ऐसे निकाले यहाँ से, तो चलो यार अभी ये वाला गेट बंद रहने देते हैं। अभी लेस्टर से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। लेस्टर कह रहा है कि वो अभी ना थोड़ी देर में यहाँ पर आ रहा है हमारे लिए तगड़े तगड़े आर्मर्स लेकर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जितने भी बंदे ना सबको मारेंगे प्लान बनाकर, क्योंकि यार अभी अंदर कुछ पता ही नहीं है कितने बंदे हैं और कितने नहीं है, और आखिरकार बॉस यहाँ पर अंदर है या फिर नहीं है, अभी कुछ सीन नहीं मालूम। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 7 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। Yeah.